हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी सुबह के 9:30 बज रहे हैं और सुबह से जब से उठी हूँ मैं 7:30 या 8 बज रहे थे तब से मैं देख रही हूँ लगातार बारिश हो रहा है। और कल एक्चुअली क्या हुआ, हम लोग डीमार्ट गए थे सामान लेने के लिए, तो वहाँ पे ना सारे ऑयल वगैरह ख़त्म थे, जैसे मस्टर्ड ऑयल और रिफाइंड ऑयल वगैरह। तो वही ऑयल लेने के लिए मैं इनको भेजी हूँ, क्योंकि ऑयल के बिना तो काम चलेगा नहीं, और नाश्ते के लिए तो रिफाइंड ऑयल तो चाहिए ही। तो ये गुलाब जल ये वाला लेके आई हूँ। ये वाला गुलाब जल का ना बहुत मतलब खुशबू बहुत अच्छा है इसका, और इसमें स्प्रे भी है, तो ये मेरे को अच्छा लगा फेस के लिए, जैसे थोड़ा स्प्रे कर लिए। और ये अपना फ़ोन छोड़ के गया है क्योंकि बारिश बहुत हो रहा है, इस वजह से लेके नहीं गया। मैं आप लोगों को ना बाहर दिखा रही हूँ कितना बारिश हो रहा है, बहुत ज़्यादा बारिश है। ये देखिए बहुत बारिश हो रहा है, मौसम भी एकदम काला काला किया हुआ है। और इनके कपड़े मेरे कपड़े यहाँ पे सूखने के लिए डाल दी हूँ, ऐसे नाइट में ही डाल दी थी, लेकिन ना ये कपड़ा का क्वालिटी ना एकदम ऐसा मोटा मोटा सा है, ये कपड़ा अच्छे क्वालिटी का है, तो इस वजह से ना ये जल्दी सूख नहीं पाया है। और आज ना सिंटेक्स को साफ़ करवाना है, तो यहाँ से नल लगा हुआ है, और ये बाहर में यहाँ पे टंकी है, तो यहाँ पे पानी डाल रही हूँ। और ये मार्केट से ना बहुत सारा ग्रीन मटर लेके आ गए थे, तो मैं सोची आज पोहा बना देती हूँ। और करी पत्ता भी है हमारे आंगन में, तो करी पत्ता मटर प्याज आलू सब कुछ डाल के मैं यहाँ पे बना रही हूँ। क्या कर रहा हो वसुदेव? पोहा डाल रहा हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो कैसा बारिश हो रहा है बाहर में? बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है। बहुत ज़्यादा ना, एकदम शांत होके बरस रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा हो रहा है। आज मैं आप लोगों को एक अपना ट्रिक जो है वो शेयर करूंगी। तो मैं कैसे करती हूँ ना, इसमें जैसे थोड़ा थोड़ा पानी डालूंगी इसको ऐसे, और उसके बाद मैं इसको ऐसे मिलाऊंगी, इससे क्या होता है ना पोहा जो होता है वो गीला नहीं होता, अच्छे से सूखा सूखा और खिला खिला हुआ रहता है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कैसे करूँगी। ऐसे डालना है थोड़ा सा पानी, इसको ऐसे मिक्स करना है, मास्क। एक बार पपाया वाला लेके आई थी, एक बार ये वाला लेके आई हूँ, लेकिन ये काम अच्छा करता है। हाँ, फेस मास्क ना ये काम बहुत अच्छा करता है। क्या टिकट नहीं मिला करके गुस्सा मत करो, गुस्से गुस्से में इसको बंद करना भूल जा रहे थे क्या दूर को, तो अभी तो पूरा वो हो जाता, गिर जाता।
सिर्फ यहीं पे ही दिखाना, एक सेकंड ना। अब कॉफी गिरा दिया, नहीं बोलना वो चीज, मेन चीज नहीं दिखाया तू। बस कॉफी पी लो। हाँ तो क्या है, तो अपना अपना शौक होता है, पी लो। कैसा है मीठा? ठीक बनाया है। हाँ अच्छा है, मैं भी अपना वाला ले लेती हूँ। ठीक है, मीठा ज़्यादा नहीं है, ऐसे ना कम ही ठीक लगता है ना, मीठा ज़्यादा एकदम, जैसे कोई मिठाई हो तो ठीक है मीठा, ऐसे ना कम सही लगता है। हाँ शायद। अब बाला सूखा नहीं है यार पूरा, पता है यहाँ पे सो गई थी ना, अच्छी तरह चाय कर लीजिए, सूखा नहीं है। तो इधर इधर के सूखा लग रहा है, पर ऐसे बैक साइड नहीं सूखा है। अच्छा मतलब वो लगाऊंगी बोल के, शिमला शिमला लगाऊंगी। मैं बोली उतना क्यों मशक्कत करोगे, मैं बोली मैं ला दूंगी बोल के, जब जाऊंगी ना तब, नहीं तो भेज दूंगी पार्सल कर दूंगी बोल के, है कि नहीं? हाँ पार्सल भी तो कर सकते हैं। हाँ दो चार दिन में पहुँच जाएगा, चार पाँच दिन में पहुँच जाएगा। अलग अलग भी लगा सकते, दे सकते हो मुझे। देखो आप लोग यहाँ नहीं खाते थे ना पहले, अभी जब मैं गई ना शादी हुई तब से उन लोगों सिंगड़ा पसंद आने लगा। हाँ पता ना कई चीज नहीं खाए। कुरियर कर सकते हैं। हाँ, कर लेना, मैं तो बोली थी बात, जब बिजी लगेगा आप पूछ लेना, भेज देंगे हम, कुरियर कर देंगे। नहीं बीच में बस बोले कि शिमला नहीं मिलता है वहाँ पे, हाँ सब मिलता है। अच्छा करंजिया वगैरह में मिल रहा होगा क्या? हमारे घर वहाँ मिलता है। हाँ तो एक साथ दे रहे हैं, इसे भेज देंगे तो क्या हो जाए, वही एक ग्राम को जितना लेगा, दस ग्राम को उतना लेगा, सौ ग्राम तो उतना ही जाएगा। और क्या क्या चाहिए? और भी कुछ चीज भेजना है तो सौ ग्राम तक भेज सकते हो। एक वो भेज देंगे गार्डनिंग के लिए जो टूल्स लगता है। हाँ हाँ ठीक है, दे देना मैं कुरियर कर दूंगा। भेज दिए रहना, फिर पता नहीं हम कब जाएगा ना, कब जाएगी है कि नहीं। हाँ क्योंकि अभी तो फिक्स नहीं है ना, जब फिक्स करेंगे जाना तब तक। पेड़ भी बड़ा हो गया होगा पौधा, क्या पता कभी जाओगे तो आगे फल भी दे रहा हो। वही तो पौधा बड़ा हो गया। पक्का है अंदर से? तो यहाँ पे चने की सब्जी को मैं गरम की हूँ, और ये एक नींबू लेके आई हूँ पेड़ से, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा नींबू खाना है। और यहाँ पे ये पाव मैं गरम कर रही हूँ, हेलो गाइस गुड मॉर्निंग और वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी सुबह के बज रहे हैं 9:30, और आज का मौसम भी वैसा ही है, कुछ बादल बादल जैसा, और यहाँ से थोड़ी थोड़ी रोशनी आ रही है, क्योंकि किचन में मेरे रोशनी आती ही है, इस वजह से यहाँ से थोड़ी थोड़ी रोशनी आ रही है, लेकिन बिना लाइट जलाए काम नहीं चलता है अगर मौसम ख़राब है तो। और अब तो बारिश का मौसम आ गया है, और बारिश में बहुत अच्छा लगता है, चारों तरफ ग्रीनरी दिखाई देता है। तो चलिए मैं आप लोगों को यहाँ का थोड़ा ग्रीनरी दिखा देती हूँ, और बहुत ही अच्छा लग रहा है, और हर दिन बारिश हो रहा है लगभग शाम में।
किस किस को बारिश का मौसम बहुत अच्छा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग, और वीडियो को लाइक करिएगा, और आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में और एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय।